गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो एलिमेंट्री के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, क्लास 11 मैथमेटिकल टूल मैथमेटिकल टूल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। This is our topic of this class. 11th में mostly students जो numerical solve नहीं कर पाते हैं वो fact जो है वो mathematical tool में यही जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो differentiation and integration को 12th में पढ़ते हैं, बट इसका यूज फिजिक्स में क्लास 11th से ही शुरू हो जाता है। तो बच्चों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पर इस टॉपिक को बहुत क्लियरिटी से देखेगा। यहाँ पर बेटा सबसे पहले किसी भी फंक्शन को हमें किसी एक ऐसे वैल्यू की इक्विवेलेंट लिखना पड़ता है जिसका हम बहुत अच्छे से उस किसी भी अननोन क्वांटिटी का या नोन क्वांटिटी का उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकें। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, इन डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सबसे पहले किसी वेरिएबल के या वेरिएबल या फंक्शन की इक्विवेलेंट लिखना होता है। तो हमें सबसे पहले उस फंक्शन का डी एक्स, अगर डेल एक्स बाई डेल टी निकालना है, डेल एक्स बाई डेल टी, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि डेल क्या है। डेल इज द वेरी शार्प हेयर एक्स, इफ एक्स इज द पोजिशन, टी इज द टाइम इन फिजिक्स टर्म। अगर हम फिजिक्स में बात करें तो एक्स यहां पर पोजिशन होगा और टी टाइम होगा, और एक्स ऐसी उस बॉडी की डेल टी टाइम पर ऐसी पोजिशन है कि डेल टी भी जीरो नहीं है और एक्स भी जीरो नहीं है, बट इतनी स्मॉल वैल्यू है जिसे हम मेजर करने जा रहे हैं कि वो जीरो नहीं है, लेकिन किसी फंक्शन, किसी वेरिएबल या किसी फिक्स्ड क्वांटिटी की इक्विवेलेंट है, या कि इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर किसी भी डिफरेंशिएशन में अगर डेल एक्स बाई डेल टी लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि दिस इज द रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, और इफ वी अप्लाइंग लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो, तो इसी डेल एक्स अपॉन डेल टी को एक एनदर वैल्यू से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसी रेशियो को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अब डिफरेंशिएशन की इसी सीरीज में आगे हम बढ़ते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। इफ एक्स इज द वेरिएबल एंड वी नो दैट दिस इज द वाई इक्वल टू, अगर ये वाई इक्वल है, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है किसी क्या कर सकते हैं किसी ऐसे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, किसी भी के रिस्पेक्ट में, या इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक, बेटा अभी तो क्वाड्रेटिक का, तो इसी का अगर हमें इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखना है तो डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू फर्स्ट इफ डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन देन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, वेयर एक्स इज द वेरिएबल एंड एन इज द डिग्री ऑफ, एन इज द डिग्री ऑफ एनी गिवन वेरिएबल वेरिएबल
which is value one, two, three, dot, dot, dot. And second formula in the differentiation is d by dx c is equal to 0. Here c is a constant value. In the differentiation, किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन बेटा जीरो होता है. इन द थर्ड फार्मूला इन द डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. फोर्थ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. हियर दिस डिफरेंशिएशन इज विथ रिस्पेक्ट टू x. Similarly, d by dx tan x is equal to sec square x. d by dx sec x tan x sec x and d by dx cosec x is equal to minus cosec x cot x and d by dx cot x is equal to cosec square x. तो ये सब सिंपल डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे. इसी के पैरेलल इन इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक फार्मूले हैं. इंटीग्रेशन फर्स्ट फार्मूला दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बेटा. ये सिंबल ऐसे बनाने की प्रैक्टिस करो. दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन के सिंबल में बेटा डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन में होता है बट इंटीग्रेशन में पीछे डी एक्स डी टी जिसके भी रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना होता है. ठीक. तो यहां पर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं. सपोज दैट एक्स टू द पावर एन वेयर एक्स इज द वेरिएबल एंड एन इज द डिग्री ऑफ वेरिएबल व्हिच इज वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 एनी नेचुरल नंबर एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है. और अब यहां पर हम लोग पांच डी बाई डी एक्स लिखते थे. अब यहां पर हम लोग केवल डी एक्स लिखेंगे. देन द डी एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. कंपेरिजन करवा लें इस बेसिक फार्मूले से. बेसिक फार्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन बेसिक फार्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन. हियर डी बाई डी एक्स इज रिटन एज इस तरीके से लिखेंगे. बट हेयर यहां पर पीछे लिखेंगे. यहां पर डिग्री एक्स टू द पावर एन यहां पर भी डिग्री एक्स टू द पावर एन बट यहां पर डिग्री आगे जाती है और उसमें से घट जाता है. यहां पर डिग्री आगे नहीं आती है तो डिग्री में एक ऐड होता है और उसके डिनोमिनेटर में जाता है प्लस वन. तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस और इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले में डिफरेंस है. लाइक एज ऐसे भी और फार्मूले हैं. सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स. देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है. यहां पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा यहां पर प्लस साइन एक्स. थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx यहां से हो जाएगा sec square x विद माइनस. इस तरीके से ऐसे बेसिक इसके बहुत फार्मूले होंगे और भी बहुत सारे फार्मूले होंगे. इंटीग्रेशन में और एक बेसिक फार्मूला बच रहा है. यहां पर बेटा कॉन्स्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्विवेलेंट ऑफ द जीरो. बट हेयर इन द इंटीग्रेशन
द इंटीग्रेशन ऑफ द एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हियर देयर विल बी एनी वैल्यू कॉल्ड सी एक्स. सपोज कर लेते हैं इफ द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स देन दिस इज इक्वल टू सी एक्स वेयर सी द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. सी जो है वो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. There are many formulas of differentiation and integration, but this is the important formula of the class 11, which is used in numerical. And आप अच्छे से इसको learn कीजिए और note कर लीजिए.